की आस्था का केंद्र बिंदु है, जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं। अयोध्या की इसी महिमा को विश्व पटल पर अंकित करने और यहाँ के जनमानस तथा श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुविधाजनक यातायात की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। बहुप्रतीक्षित भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अयोध्या में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण श्री राम वन गमन मार्ग, श्री राम जानकी मार्ग, लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग तथा अयोध्या विंध्याचल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हैं। इसी क्रम में आज माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा 8,698 करोड़ की लागत की 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अयोध्या में भक्तों की आस्था को नमन करते हुए यहाँ की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। हिंदू धर्म में ये पौराणिक मान्यता है कि अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा करने से मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। यह 84 कोसी परिक्रमा मार्ग कुल 254 किलोमीटर तक फैला है, जिसे कुल 6 खंडों में निर्मित किया जाएगा, जिनमें 5 खंडों का शिलान्यास आज किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्मित हो रहे इस परिक्रमा मार्ग को 15 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें 2 लेन बेल्ट शोल्डर सहित का हाईवे तथा 5 मीटर चौड़े पैदल परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग को बेहद सुंदर और सुविधा युक्त बनाया जाएगा, जहां इसके दोनों ओर रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए हर 10 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया का निर्माण किया जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग के निर्माण में सरयू नदी पर लगभग 3 किलोमीटर के 2 दीर्घ सेतुओं का निर्माण किया जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग के निर्माण से विभिन्न पौराणिक महत्व के स्थल जैसे मखौड़ा धाम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सीताकुंड, सूर्यकुंड, राम मंदिर पटनंगा आदि तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस परिक्रमा मार्ग के निर्माण की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए है और यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरेगा, जिससे यहाँ के विकास को भी गति मिलेगी। इस परिक्रमा मार्ग के निर्माण के पश्चात तीर्थ यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी तथा यहां विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने में सुगमता होगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के साथ साथ अयोध्या में सुगम परिवहन एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकास